सुबह सुबह उठने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर चिड़ियों का कलरव सुनने का भाई साहब अलग ही मज़ा होता है। गाँव में ये कलरव आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनाई देता है सुबह सुबह। शहरों में खैर ना के बराबर मिलता है, बट कभी कभी आवाज़ पड़ जाती है कानों में, लेकिन गाँव में हमेशा ही मिलता है मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पर भी। हालांकि शाम के टाइम पर ये कलरव काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम आवाज़ें आती हैं, और ख़ासतौर से अगर आप गांव के बाहर होंगे तभी आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन मॉर्निंग में भाई साहब गांव में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ें आती हैं। किसके लिए लाई हो ये दिद्दा? खा लो गुनगुन, ये तुम वहीं पे रख दो, हम नहीं खाएंगे, रख दो जाके खा ले। अच्छा खा लिए? मम पी रही हो? किसका है इमली? इमली किसका है? किसका है गुनगुन? गुनगुन बता दो, शुक्ला जी का। शुक्ला जी का? शुक्ला जी का इमली ये क्या बता रही है? बुलचिया। क्या होता है? कौन गया? पापा। कहाँ गए? चीतापुर घूमने गए। घूमने गए गुनगुन? ओए क्या हो रहा है? ये आ गया बेल बेल। अच्छा सुना नहीं? बेल बेल बेल। गुनगुन कहाँ चले? कहाँ चले बताओ पहले। ए जबान ना निकालो, बंद करो, मुंह बंद करो, बताओ कहाँ चले बताओ। इल्लू बुलाए? इल्लू आओ आओ, सो रहे हैं ये, सोते बहुत हैं ये। देखो उठ गए, उठ के आ गए। आ गए आ गए आओ, और बुलाए चल के, और बुलाए। चलो बुलाते हैं, कह दो प्लू 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 प्लू। दुछला आ गया? दुछला आ गया। आ नहीं रहे? तीन है यहाँ पे। हाँ आ नहीं रहे बिट्टू? आए नहीं, वो है वहां पे। आ बुला और तेज बुलाओ, तेजी से बुलाओ, तेजी से बुलाओ। तेज बुलाओ। प्लू आओ। प्लू आओ, नहीं ऐसे नहीं आएंगे, कहते प्लू। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़बरदस्त गया, क्योंकि सुबह सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को एक अच्छा सा टाइम लैप्स ले लिया जाए। मैं आया हूँ अभी अपने खेत पर टाइम लैप्स लेने के लिए। मेरे पास है साथ में ये स्टैंड जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अमेजन से मंगवाया था। वैसे सनसेट का टाइम लैप्स तो गूगल से भी मिल जाता है, यूट्यूब से भी मिल जाता है, बट मैंने सोचा कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ का एक टाइम लैप्स निकाल के अच्छे से डाला जाए। और मैं अभी यहीं पर हूँ, लोकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ से फुल टाइम सनसेट का वीडियो आ सके। हालाँकि मुझे लगता है कि वहाँ से पूरा व्यू आएगा शाम का, तो वहीं पर जाके मैं अपना स्टैंड लगाता हूं और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। तो अभी के लिए मैंने अपने फ़ोन को टाइमलैप्स के लिए सेट कर दिया है। गोप्रो को नहीं लगा रहा हूं टाइमलैप्स के लिए, क्योंकि गोप्रो से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं अभी के लिए। फ़ोन से टाइमलैप्स लूँगा, गोप्रो से फिर कभी लेंगे जब इसका कंपेरिजन करेंगे K20 Pro से। एक्चुअली मैंने दोनों ही डिवाइसेस के वीडियो को कंपेयर करने के लिए अभी सेल फोन से टाइमलैप्स लगाया हुआ है, और ये वाला वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा जिसमें K20 Pro और GoPro Hero 9 की वीडियो की टेस्टिंग होगी, दोनों में से कौन बढ़िया परफॉर्म करेगा। हालाँकि विनर तो GoPro ही रहेगा, बट रियलिटी तो दोनों के वीडियो का कंपेयर होने के बाद ही पता चल पाएगी। आज 28 तारीख है और कल है 29 तारीख। कल हमारे गांव में होना है मतदान, चूँकि हमारा गांव जो है अंतिम चरण के चुनाव में था, इसीलिए कल हमारे यहां मतदान होगा। और जितने भी प्रत्याशी थे सबने आज तक अपना खूब प्रचार प्रसार कर लिया है, इवन हमारे द्वारे पर ही कुर्सियाँ पड़ी रहती थी, कई सारी लोग आके वहाँ पर बैठते थे, बातें होती थी। हालांकि मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं छत पर से सब देखा करता था, नीचे बहुत ही कम आता था। तो आप सब भी मतदान जरूर करें और अपने पसंद का प्रत्याशी चुनें। वैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे घर के बाहर कुर्सियाँ वगैरह क्यों पड़ी रहती। देखो जो हमारे दौआ हैं वो भी इस प्रचार प्रसार में सम्मिलित थे, इसलिए कुर्सियाँ वगैरह डलवाई गई थी।
बाकी कोई खास वजह है नहीं, बाकी हमारी फैमिली इन सब चीजों में बहुत ही कम इंटरेस्टेड रहती है। तो अभी सनसेट होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है और अपना टाइम लैप्स हो चुका है लगभग 2:09 का। यार मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले से चेक नहीं किया था कि जो सूरज होगा वो पेड़ के पीछे आ जाएगा। जहाँ पर मैंने कैमरा सेट किया हुआ है अगर मैं वहाँ से देखता हूँ तो सूरज जो है पेड़ के पीछे आ चुका है, बट अभी तक डूबा नहीं है और उसमें एकदम क्लियर नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे सूरज डूब चुका है। बाकी अगली बार से जब भी टाइम लैप्स निकालूंगा दोनों का तब इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा ताकि कंपेरिजन टेस्ट अच्छे से मिल सके आपको। अभी सूर्य बिल्कुल अस्त हो चुके हैं और हमारा टाइम लैप्स भी फिनिश हो चुका है, तो अभी बस इसको पैक करना है और यहाँ से चलना रहेगा। अभी टाइम हुआ है शाम के 6:27। सेलफोन से जितना अच्छा टाइम लैप्स मैंने सोचा था उतना बढ़िया आया नहीं, क्योंकि सेलफोन की सबसे बड़ी समस्या होती है नॉइज वाली और एक्सपोजर वाली। हालांकि एक्सपोजर मैंने लॉक कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो के एंड में नॉइज आ गई है जिससे कि पूरा वीडियो भी बेकार सा लगने लगा। खैर मैंने एडअप किया है टाइम लैप्स, अगर आपको सही लगा हो तो बताना। नेक्स्ट टाइम मैं अपने GoPro Hero 9 से लूँगा टाइम लैप्स, तब देखते हैं कि दोनों के टाइम लैप्स में क्या अंतर रहते हैं। हालांकि डे का टाइम लैप्स जो मेरा Redmi K20 Pro है वो बहुत ही बेहतरीन निकालता है, जिसका मैंने एक वीडियो लिया था वो मैं यहाँ पे एडअप कर रहा हूँ जो कि क्लाउड्स का था, वो देख लीजिएगा आप कैसा है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है शाम का और मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। यहाँ का जो भी काम था आज का मेरा फिनिश हो गया, जो कि मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। हालांकि आगे से जितने भी टाइम लैप्स होंगे वो सारे मैं GoPro से निकालने वाला हूँ इवनिंग के, बाकी डे के टाइम लैप्स भाई Redmi K20 Pro से मेरे अच्छे आ जाते हैं तो मैं उसी का यूज करूँगा। जहाँ छोगी गाली चलाई, लो चलाओ देखो चलाओ। अब गुनगुन तुम्हारे खिलौने में प्याज क्या कर रहा है बेटा? अच्छा खुशबू के लिए है क्या? हेलो क्या तो आंखों में मत लगाओ टॉर्च। गुनगुन गाने तो नहीं, बड़ी ध्यान से गुनगुन मना रहा है, मना रहा है, मनाया बंद हो गया। बजाओ, इसे बजाने की ट्रिक बहुत जबरदस्त है, सब आगे से बजते हैं ये पीछे से बजता है। हाँ ये पीछे से बजता है, एक बार हम बना चुके हैं इसका वीडियो। अरे एक तरफ कार लगी है, ये सही है, एक तरफ ये वाला लगा लो। कहते वो बेकार है, कहते वो नकली है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।